हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं वेस्ट झाड़ू से एक बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव आइटम। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसी फूल झाड़ू चाहिए और इसकी ये झाड़ू की ये सीकें हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से, और इनको हम कर देंगे कलर। इनको कलर करने के लिए मैंने यूज़ किया है रंगीला वाले कलर्स का, तो इस तरीके से लाल, पीले, हरे और वाइट कलर में हम इनको रंग लेंगे। और वाइट कलर और हम इसमें फेविक्रिल का सिल्वर कलर यूज़ कर रहे हैं इसको रंगने के लिए। इससे इसमें मैंने पहले वाइट कलर का कोट दिया हुआ है झाड़ू में। इसमें आपको ये देखना है कि सीक में जिसमें ऐसी ज़्यादा घनी हो उन पर हमें कलर करना है, उनको लेना है। और इसके बाद हमको स्पार्कल ग्लिटर का भी यूज़ कर लेना है, तो इनको भी हम कलर करने के बाद इन पर ले लगा देंगे। और फेविक्रिल का मैंने कॉपर कलर का भी यूज़ किया हुआ है, और कॉपर कलर का जो स्टिक बनेगा वो बहुत ही सुंदर बनेगा। और इसको कलर करने के लिए मैंने ये चमकनी भी ली हुई है इसको, और इसको यूज़ करने के लिए हमने इस तरीके का, और ये ग्लिटर भी लिया हुआ है मैंने बॉटल में। ये इन ग्लिटर्स को यूज़ करने से पहले सबसे पहले जो हमने कलर की हुई हमारी झाड़ू की सीकें थी उन पर हमने फेविकॉल और पानी का घोल से ब्रश से उसको अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ इसके बाद हमने इसको ग्लिटर को अखबार बिछा करके इन स्टिक्स पर इस पर छिड़क देंगे और लगा देंगे स्पार्कल ग्लिटर और बॉटल वाला ग्लिटर। जिस जिस कलर का हम उसी कलर का यूज़ कर लेंगे ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगने लगे। तो लेकिन मैंने वाइट पर नीले कलर का स्पार्कल का यूज़ किया है, ग्रीन पर ग्रीन कलर का स्पार्कल करके थोड़ा इनमें शाइनिंग आ जाएगी, चमक। और ये येलो कलर वाले पर भी मैंने ये गोल्डन कलर का ग्लिटर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम इनको अप्लाई कर लेंगे जिसमें में शाइनिंग आ जाए। अब बिना रोए वाली ये हम सीकों को लेंगे और थर्माकोल बॉल्स को लेंगे। और ये जो मैंने ग्लू का यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छी वाली ग्लू है, इससे निकलेगा नहीं है। मैंने इनको स्टिक कर लिया है थर्माकोल बॉल्स को। और मेरे पास मिल्टन बॉटल का ये खाली डिब्बा पड़ा हुआ था, खाली बॉक्स, मैंने इसको ऊपर वाले को इसके पार्ट को हटा दिया है। और यहाँ पर ब्लैक कलर के A4 साइज़ पेपर से मैंने इसको कवर कर लिया है, और इस तरीके की लेस मैंने ले करके इसको यहाँ पर स्टिक कर लिया है ताकि ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। और हमारा जो ये वेस बनने वाला है, वास बनने वाला है, इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेंगे। और इस तरीके से इसमें कुछ कांच के टुकड़ों से हम इसको डेकोरेट भी कर लेंगे ताकि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगे। और हमारा फ्लावर वेस बन करके ये तैयार है, और इसमें हमने स्टिक्स डाल दी हैं झाड़ू की। तो इस तरीके से ये सुंदर सा फ्लावर वेस हमारा बन करके तैयार है, और इसको आप अपने रूम में डेकोर पीस के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आप भी अपने वेस्ट मटेरियल को बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे और इसको डेकोरेटिव आइटम में कन्वर्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।